लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी महोदय सागर और पुलिस अधीक्षक महोदय सागर के मार्गदर्शन में नगर दंडाधिकारी सागर और नगर पुलिस अधीक्षक सागर के निर्देशन में तहसीलदार सागर थाना प्रभारी गोपालगंज की संयुक्त टीम द्वारा शहर के गन हाउसों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें निगम मार्केट परिसर में संचालित देवेंद्र गन हाउस और मंजू गुप्ता गन हाउस के पास हथियारों की सेफ कस्टडी संबंधी लाइसेंस वैध नहीं पाया जाने से दोनों गन हाउस पर कार्यवाही करते हुए संचालकों के समक्ष पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा स्थल पंचनामा तैयार किया गया। संबंधितों को नोटिस जारी किए गए और उन्हें आगामी आदेश तक गन हाउस संचालित न करने की हिदायत दी गई। देवेंद्र गन हाउस से 26 नंग राइफलें व मंजू गुप्ता गन हाउस से 5 नंग राइफलें, कुल 31 नंग राइफलें थाना गोपालगंज में सुरक्षित रखवाई गई हैं।